compatibility, the criteria of compatibility. Criteria of countability. In general, when we have two sets, हमारे पास अगर दो sets पड़े हुए हैं A and B, right? और दो sets equivalent कब होंगे? जब उनके बीच में एक mapping exist करेगी और वो one one onto होनी चाहिए, right? So this is a one way to prove two sets are equivalent sets, right? And when we are talking about countability, so if a set A, any set A which you want to prove it is countable, if it is equivalent to the set of natural numbers, that is, there is a mapping between A and N, so that the mapping F is 1, 1 onto, then the set is a countable set. So this is another criteria that we will use to prove in our theorems, in any question that we can take. In any example, maybe the set of natural numbers, maybe the set of real numbers, maybe the set of not the real numbers, or maybe the set of rational numbers, integers. So whatever set we have. So that may be countable, that may be uncountable. So this is the criteria of countability. So what's the theorem says? Theorem says set A is countable any set A is countable if it can be expressed in the form of a sequence with distinct elements, right? So let's start the proof. First of all, it's if and only. So first of all, we will take let A be a countably infinite set, then we will prove it can be expressed in the form of infinite sequence. And in the other way, then you will take let B a set, if it is in the form of sequence, then you will prove that it is a countably infinite set. So let A be a countably infinite set, right? ये हम लेके चलते हैं, ये गिवन है. टू प्रूफ क्या है? व्हाट इज टू प्रूफ? टू प्रूफ ए इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ए इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, राइट? अब कैसे प्रूव करना है इसको भी? हमने अब काउंटेबली इनफाइनाइट लिया और उस सेट को हमने क्या प्रूव करना है? इनफाइनाइट. अब ए काउंटेबली इनफाइनाइट है. अगर ए काउंटेबली इनफाइनाइट है तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी एफ फ्रॉम ए टू एन विच इज 1, 1 एंड ऑन टू, विच इज 1, 1 एंड ऑन टू, राइट? सो अगर 1, 1 ऑन टू है, इसका मतलब क्या है कि What does it mean? कि हर n के लिए, for every n belongs to n, there exists some xn belongs to A, such that f of n is equal to xn. That is, यहाँ पे आपके पास ये एक मैपिंग जो आपके पास पड़ी हुई है. अब इस मैपिंग को हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया है. सो क्योंकि ये 1, 1 ऑन टू मैपिंग है, ये रिवर्सिबल भी है, और ये रिलेशन जो होता है इक्वेलेंस का, वो इक्वेलेंस रिलेशन जो है वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, राइट? द वन इज इट इज सिमेट्रिक, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड इट इज ट्रांजिटिव. सो तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. सो व्हाट वी हैव टेकन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन. सो यहाँ पे हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. मैं पिक्टोरियल व्यू दे रही हूँ आपको. हियर इज एफ एंड हियर यू हैव टेकन एन, हियर इज ए, राइट? सो
here you will take the elements 1, 2, 3 and in general suppose आपने लिया n यहाँ पे, so इसकी image हमने क्या ले ली x1, we have taken the elements of a as x1 x2 x3 और general element क्या है xn, तो उस तरह से आपके पास ये image बन जाएगी, so we have defined a mapping like that, right? And moreover अब दूसरा पॉइंट है कि ये 1-1 ऑन टू यहाँ से ही हो गया, पता चल गया हमें 1-1 के लिए क्या है, 1-1 के लिए क्या है कि अगर इमेजेस सेम नहीं है, इफ एफ ऑफ एन वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एन टू इट इम्प्लाइज एन वन इज नॉट इक्वल टू एन टू, मतलब ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एन वन एफ ऑफ एन टू के बराबर नहीं है तो एन वन भी एन टू के बराबर नहीं है, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग एन वन, ठीक है जी, एंड इट्स इमेज विल बी एक्स एन वन, व्हेन यू आर टेकिंग एन टू इट्स इमेज विल बी एक्स एन टू, राइट, इज इट क्लियर, सो व्हेन एवर एन वन एंड एन टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, व्हाट डज इट मींस, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर आल्सो नॉट इक्वल टू ईच अदर, व्हाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट एफ इज 1-1, 1-1 का मतलब होता है हर एलिमेंट की एक यूनिक ही इमेज आएगी आपके पास, ठीक है जी, सो इट इम्प्लाइज द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट वी हैव टेकन x1, x2, x3 सून अप टू दिस, जनरल एलिमेंट आप xn ले सकते हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं, वेयर यू कैन राइट where xi is not equal to xj for all i not equal to j, implies elements of a are distinct and infinite, so therefore a can be, ईशा अपनी वीडियो ऑन करिए बेटा, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सो वी वर डूइंग द क्राइटेरिया फॉर काउंटेबिलिटी, वी वर डूइंग द क्राइटेरिया फॉर काउंटेबिलिटी के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर ए जो है वो काउंटेबल है तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी है फ्रॉम ए टू एन या फ्रॉम एन टू ए विच इज 1-1 एंड ऑन टू, ठीक है जी, सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया कि अगर कोई सीक्वेंस, अगर कोई सेट काउंटेबल है, इफ अ सेट ए इज काउंटेबल देन वी हैव प्रूव दैट ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस विद distinct elements, right? It can be expressed as an infinite sequence with distinct elements. इस तरह से हम express कर सकते हैं. So the first part has been done. Now we will do the second part. Conversely में हम लेके क्या चलेंगे? A एक infinite set है. ठीक है जी? Infinite set with distinct elements, right? लेकिन हमने अब प्रूव क्या करना है? To prove A is countably infinite. अब इनफाइनाइट प्रूव करने के लिए बेटा एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करके उसको हम लिखेंगे क्या है हमारे पास. लेट जी फ्रॉम एन टू ए बी अ मैपिंग,
defined as Gn is equal to Xn for all n belongs to n. To prove क्या रह गया इसमें G is 1 1 and on. ठीक है जी. So first heading देंगे इसमें G is 1 1. G is 1 1. अब एलिमेंट्स हमें पहले कह दिया है कि क्या है डिस्टिंक्ट है. सिंस द एलिमेंट्स ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट. एलिमेंट्स पहले ही पता डिस्टिंक्ट है. इसका मतलब जो एन वन एन टू के बराबर नहीं है तो एफ ऑफ एन वन भी जी है. द मैपिंग इज जी. सो अगर एन वन एन टू वन नेचुरल नंबर्स आपस में सेम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा ना एक सेट का वो भी आपस में बराबर नहीं है. इसका मतलब जी ऑफ एन वन इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एन टू. ये देखिए अगर ये दो एलिमेंट्स मैंने अलग अलग लिए हैं इसकी इमेज क्या आएगी जी एन वन. इसकी इमेज क्या आएगी जी एन टू. अगर ये दोनों एलिमेंट्स ही बराबर नहीं है तो ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि पहले ही दिया है कि जी एन ई सारे एलिमेंट्स क्या हैं डिस्टिंक्ट हैं. सो देयरफॉर जी क्या हो गया 1 1. वेरी सिंपल. अब जी क्या करना है ऑन टू. तो ऑन टू के लिए हर एलिमेंट की प्री इमेज चाहिए राइट. यहाँ एलिमेंट्स क्या पड़े हैं आपके पास. यहाँ पड़े हैं एलिमेंट्स जैसे डिफाइन किया हमने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर. ठीक है. और ये किसके कोरेस्पॉन्डिंग है नेचुरल नंबर्स के टू. तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हर ए में जितने एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी प्री इमेज है. सो व्हाट वी विल राइट जनरलाइज करेंगे एक्स एन. सो कोरेस्पॉन्डिंग टू सीधा ही लिखेंगे corresponding to every xn belongs to a. क्या होगा there exists n belongs to n such that g of n is equal to xn implies g is on large. a जो हो गया therefore the mapping g from n to a is 1 1 and on 2. तो इसका मतलब n is equivalent to a as the relation is relation is symmetric. It implies A is equivalent to N. जब कोई सेट नेचुरल नंबर्स के इक्वलेंट हो गया इट इम्प्लाइज A is countably infinite. So this is the beautiful criteria to prove that any set A is a countable set. So we can directly, if we will put the set in the form of an infinite sequence with distinct elements and that set is also countable. Let's do the next theorem. So I hope the point is clear to you.